यूनियन टेरिटरी लद्दाख में कोविड 19 के चलते हालात इस वक्त ठीक हैं। वहीं यूटी इंतज़ामिया के साथ साथ लद्दाख के अंदर लद्दाख के लोग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामने आके कोविड 19 के खिलाफ लड़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर साथ दे रहे हैं। इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ की टीम लद्दाख के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जिसका नाम है हरदास। हरदास विलेज, इसे एब्रिकॉट विलेज भी कहा जाता है, लेकिन कोविड 19 के चलते हरदास के लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव ये है कि इन लोगों ने अपने पूरे विलेज को सील किया है, पूरे विलेज को कंटेन किया है। गांव में जो बाहर की एंट्री बंद कर दी गई है और साथ ही साथ जो गांव के रहने वाले हैं जो इस वक्त बाहर हैं उनको पहले 14 दिन क्वारंटीन में बैठना होगा, 14 दिन क्वारंटीन टाइम मुकम्मल करना होगा, इसके बाद ही उनको गांव में एंट्री अलाउ की जाएगी। अब हम सीधे चलते हैं, गांव वालों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इनके इनिशिएटिव के बारे में। सर, हमारा कहना यही है कि ये कोविड 19 के चलते हुए जो माहौल चल रहा है अभी, जो सिचुएशन चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ जो हमने जहाँ पे कर रखा है, जो साबुन हमने निकाल के रखा है, जो सिंटेक्स में पानी जो रखे हैं हमने, जो बोर्ड लगा रखे हैं, जो बाहर का जो एंट्री है जो बंद कर रखे हैं, जो अंदर से बाहर जाना है उनको, जो इमरजेंसी लोगों को जो जाने देना है, ये सिर्फ कोविड 19 से हिफाजती के लिए हमने ये चीज़ कर रखे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक उनका 14 दिन का क्वारंटीन पूरा नहीं होगा वो लोग भी तब तक गांव के अंदर एंट्री नहीं होगा। जब उनका क्वारंटीन 14 दिन का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर उनका रिपोर्ट आने के बाद फिर उसके बाद उनका एंट्री गांव में होगा, उससे पहले किसी का एंट्री नहीं होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो जो ज़्यारत से जो पार्टी आ रहा है, वो किसी का एंट्री नहीं है। सर, कब से आप लोगों ने पूरे आपके विलेज को, हरदास गांव को कंटेन किया है, कब से बंद किया है? हमने यहाँ पे ये जो हमने जो लगा रखा है, ये फाटक वगैरह जो लगा रखा है, ये कम से कम 7 दिन से चल रहा है। यहाँ पर 2-2 या 3-3 बंदे रोज़ के रहेंगे और हमेशा रहता है, तो वो लोग देखभाल करते हैं कि कोई अंदर से बाहर ना जाए और कोई बाहर से अंदर ना आए। हर वक्त जी जी बिल्कुल, हर वक्त रहेंगे वो। ये सब पूरे गाँव के ताउन से ये चीज़ जो यहाँ पर चल रहा है, ये पूरा गाँव ने मिल कर किया हुआ है। जो यहाँ पे जो बंदे देखने रहेंगे वो टोटली 2 या 3 बंदे रहेंगे, बाकी जो जो बंदे हैं घर गाँव में जो अपने अपने घरों के अंदर ही क्वारंटाइन होके रहेंगे, कोई बाहर नहीं आएगा। सर, जिस तरह से लद्दाख के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मिसाल कायम करते हुए आगे आ रहे हैं और लद्दाखी का एक मिसाल पूरे देश को दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं पूरे देश को, इसी तरह हरदास गांव वालों ने भी ये संदेश दिया है पूरे देश के उन लोगों को जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने इनके गांव में लोकल के बगैर बाहर के किसी भी अफराद को एंट्री बंद कर दी गई है। अगर किसी को बाहर से आना है, गांव वाला है, तो उनको आना है सबसे पहले उनको करगिल पहुंच के 14 दिन का क्वारंटीन मुकम्मल करना होगा, इसके बाद उनको गांव आने में इजाज़त दी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं गांव वालों की जानिब से यहाँ पे सैनिटाइज़र रखा है और यहाँ पे इन्होंने पूरा सैनिटाइजिंग पॉइंट रखा है और हाथ धोए बगैर गांव में, गांव वाले भी अगर इमरजेंसी के तौर पे बाहर गया हो अलाउ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गांव में दाखिल होने से पहले हाथ धोकर गांव में दाखिल होना है। तो ये एक बड़ा मिसाल है लद्दाख के आवाम का और इसी वजह से आज लद्दाख के अंदर कोविड 19 सेकेंड स्टेज पे ही कंट्रोल है। अगर इसी तरह का समर्थन रहा और एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो काम है वो बहुत हद तक कम किया है, आसान किया है, क्योंकि जितने भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से रजाकार तंजीमें हैं वो सामने आके एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन किया। और अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू रहा तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में लद्दाख से कोविड 19 सेकेंड स्टेज पे ही खत्म होगा।